विकासखंड जनुत्ता के मनरेगा मजदूरों ने सामान नहीं मिलने पर श्रम अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस धरने का नेतृत्व पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने किया। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्हें सोलर लाइट, इंडक्शन साइकिल, वॉशिंग मशीन व अन्य प्रकार की राहत राशि के चेक नहीं दिए जा रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें 16 अक्टूबर को बैठी 18 अक्टूबर को पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस झंडूता बुलाया, लेकिन विधायक वहां नहीं पहुंचे और उन्हें सामान नहीं दिया गया। धरने में उपस्थित मजदूरों ने बताया कि जब वह अपना सामान लेने के लिए श्रम अधिकारी के कार्यालय बिलासपुर में आए तो यहां मौजूद अधिकारियों ने सामान देने से मना कर दिया। वहीं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि जिला में भाजपा के तीनों विधायक राजनीतिक फायदा लेने के लिए मजदूरों को तंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक अधिकारियों को डरा कर मजदूरों के सामान को कार्यालय से न देकर उनके हाथों से वितरित करने का दबाव बना रहे हैं। हम सभी मनरेगा मजदूरों के साथ यहाँ पे श्रमिक कल्याण बोर्ड का जो दफ्तर है, लेबर बोर्ड का, यहाँ पर आए थे। लोगों को स्कीम के तहत चेक मिलने थे, कुछ लोगों को सामान मिल रहा था, कुछ लोगों को वॉशिंग मशीन मिलनी थी जो हमारी पूर्व सरकार के समय में मिलती थी, लेकिन संबंधित अधिकारी कह रहे हैं कि हमें विधायक जी आर कटवाल और सुभाष ठाकुर का दबाव है, हम उन्हीं के हाथों से देंगे, आपको यहां से डायरेक्ट सामान नहीं देंगे। जबकि आज ही मंडी के आए हुए जो सीएम के इलाके के और हमीरपुर के जाहू की तरफ के कुछ मजदूर आए थे, उनको इसी दफ्तर से अभी 15 मिनट पहले, हमारे आने से 15 मिनट पहले वो सामान दिया गया है। ये पक्षपातपूर्ण काम हो रहा है। ये इंटक की तरफ से जो मजदूर यहां पे रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनको सामान मिलता रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है और सरेआम कहा जा रहा है कि एमएलए आएंगे उनके हाथ से देंगे, और सवे लेने के चक्कर में मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। 400 रुपए की दिहाड़ी टूट रही है, 150 रुपए किराया लगा है, कोई कोटधार से आया है, कोई लदरौड़ से आया है, कोई हरलोक से आया है, तो इस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो करीब 1000 लोगों के चेक, 1000 लोगों की जो योजना से संबंधित जो मंजूरशुदा सामान है वो यहां स्टोर में धूल फांक रहा है, लेकिन इनको दिया ही जा रहा है। तो मैं ये आज इस पक्षपातपूर्ण जो रवैया है सरकार का है, एमएलए का है, जो इन दोनों एमएलए ने यहां पे तानाशाही चलाई है, उसके खिलाफ हम यहां पे बैठे हैं। जब तक विभाग के लोग इनका मंजूरशुदा सामान नहीं देते तब तक हम यहां से नहीं निकलते। जैसे कि अभी अधिकारी यहां पे मौजूद नहीं है, अगर वो 2 या 3 घंटे तक ना आए फिर आपका क्या? वो कब तक नहीं आएगा? जो है बाकी उनको, वो तो है उनको तो रोके, तो जब तक नहीं आएगा तब तक हम बैठे रहेंगे। नहीं आएगा तो डीसी की तरफ को कुछ कर जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे जाकर। नहीं आएगा तो घर चल जाएंगे, कोठी चल जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे जाकर। कहां भागेंगे, कहां पे? ऐसा हो क्यों रहा है? जब हमारी सरकार के टाइम में कैंप में भी सामान मिलता था, यदि वो दफ्तर में आ जाता दफ्तर में सामान मिलता था, आज भी आपने दफ्तर में सामान दिया। इनका मंजूरशुदा सामान है, वो किसी के घर की जागीर नहीं है। जो योजना वीरभद्र सिंह सरकार ने बनाई थी, उस योजना के तहत इन लोगों ने इंटक के माध्यम से फार्म भरे। ये इंटक की प्रधान है मधु चंदेल, ये सेक्रेटरी है हमारी यहां पे बैठी हुई हरदेई हरदेई। इन लोगों ने जो है बड़ी मेहनत करके जो है मजदूर लोगों को इस स्कीम के तहत जोड़ा है। आज ये लोग इसको घर की जागीर बना करके जो है मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। तो हमारा ये धरना इन अफसरों की तानाशाही के खिलाफ चल रहा है, एमएलए की तानाशाही के खिलाफ चल रहा है, और एमएलए को भी अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। और यदि नहीं आएंगे तो ये मजदूर लोग एमएलए लोगों का घेराव भी करेंगे। जहां जहां एमएलए जाएंगे वहां वहां मजदूर उनका घेराव करेंगे।